हेलो कायनातीज, साइंस का एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या ज़मीन के अलावा हमारी कायनात में कहीं और ज़िंदगी शुरू हुई या नहीं। अभी कुछ मार्स के या मरीख के कुछ नए रिजल्ट्स आए हैं जिससे लगता यह है कि हम इस सवाल के जवाब के करीब पहुंचते जा रहे हैं। यह है कायनाती गपशप और मैं हूं सलमान हमीद। कायनातीज, ये जो कायनाती गपशप है ये अब वापस आ गई है। ये कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से थोड़ी सी जरा एक्सटेंडेड इसके सिलसिले में डिले हुआ, लेकिन इतने अरसे में हमारे कायनात किड्स का उर्दू का और इंग्लिश के चैनल जो है वो शुरू हो चुके हैं। आप प्लीज़ उन दोनों को ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि और लोगों को भी बताएं, उसमें रेगुलर कंटेंट जो है वो आ रहा है। इसके अलावा कायनात का भी एक इंग्लिश का चैनल है जिसमें कंटेंट कायनात उर्दू से फ़र्क है, तो प्लीज़ आप उसको भी चेकआउट करें और आप सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अभी पिछले दिनों एक चांद ग्रहण या लूनर एक्लिप्स था, उसके सिलसिले में हमने वीडियोस भी बनाई और काफ़ी सारी रिसोर्सेज भी बनाई एक्लिप्स इन आवर शेयर्ड स्काई के सिलसिले में। तो वो जो कैंपेन है वो जारी रहेगी आवर शेयर्ड स्काई के अम्ब्रेला में। मतलब ये है कि एस्ट्रोनॉमी जो है वो हमें बताती है कि आसमान जो है वो सबका एक ही है। हमारी डिविजन्स नीचे हों लेकिन आसमान कम अज़ कम हमें एक यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो प्लीज़ आप ज़रा नज़र लगा कर रखें इस किस्म की प्रोग्रामिंग जो अब कायनात के ऊपर होगी आवर शेयर्ड स्काइज के तहत। अगर आपने ज़िंदगी को तलाश करना है हमारे अपने निज़ाम शमसी या हमारे अपने सोलर सिस्टम में, तो मार्स जो है वो एक लिहाज से बहुत बेहतरीन जगह है। इसकी वजह ये है कि हमें पता है कि आज से कुछ अरब साल पहले मार्स पर एटमॉस्फेयर भी थिक था। जिस तरह ज़मीन के ऊपर एटमॉस्फेयर है, इसी तरह मरीख के ऊपर भी एटमॉस्फेयर था। वहाँ पर हमें पता है कि नदियाँ या लेक्स भी थीं और पानी का समुंदर भी, और वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद थी। एक लिहाज से ख्याल ये है कि जो मार्स के ऊपर कंडीशंस थी आज से कुछ अरब साल पहले वो ऐसी थी जहां पर जिंदगी शुरू हो सकती हो, बल्कि ख्याल ये है कि शायद जिंदगी मार्स पर जमीन से भी पहले शुरू हुई हो। लेकिन इसका हमारे पास अभी तक कोई सबूत मौजूद नहीं। आज हमें यह पता है कि मरीख जो है, मार्स जो है, वो एक डेजर्ट प्लैनेट है। वहाँ पर उसकी सरफेस या उसकी सतह के ऊपर कोई लिक्विड वाटर जो है, पानी जो है, वो वहाँ पर फ्लो करता हुआ हमें ज़्यादा नज़र नहीं आता। कुछ हिंट्स हैं अभी भी कि शायद कुछ पानी है जो निकलता है, और क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर अब इतना थिन है कि वो जो है पानी वो फौरन से इवेपोरेट हो जाता है। लेकिन क्या वहाँ पर कभी कोई जिंदगी थी या नहीं? इस वजह से आप सोच सकते हैं कि साइंसदानों के लिए मरीख जो है वो बहुत ही अहमियत रखता है, और इसी वजह से कई रोवर्स खासतौर से नासा ने मरीख के ऊपर भेजे। हाँ, बल्कि अभी रिसेंटली तो खैर चीन का भी एक रोवर जो है वहां पर गया, जो अभी तक वहां पर काम कर रहा है। लेकिन नासा के मुख्तलिफ मिशन थे। ये 1970s में वाइकिंग मिशन था जिसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे कि वो ज़िंदगी की तलाश करें, और उसके बाद बहुत सारे और मिशन्स जो हैं क्यूरियोसिटी, स्पिरिट और मुख्तलिफ जो मिशन्स हैं वो वहाँ पर पहुँचे। लेकिन अभी जो आखिरी मिशन है जो इस वक्त वहाँ पर काम कर रहा है उसका नाम है परसिवियरेंस। वो बल्कि एक रोवर है जो वहाँ पर 2021 में वहाँ पर लैंड किया, और वो अभी तक वहाँ पर काम एक्टिवली कर रहा है। अब इसकी जो लैंडिंग साइट है पुराने तमाम रोवर्स के मुकाबले में वो बेइंतहा दिलचस्प है। वो लैंड किया एक क्रेटर जिसका नाम है जजीरो क्रेटर के नाम से। ये तकरीबन
आधे किलोमीटर से भी थोड़ा, तकरीबन आधे किलोमीटर जितना वो वाइड ये क्रेटर है। लेकिन इसकी खास बात ये है कि साइंसदानों को ये पता है, और ये उन्होंने पता लगाया वहां पे ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट से, कि इस क्रेटर के अंदर जो जजीरो क्रेटर है, आज से कुछ अरब साल पहले उसमें पानी मौजूद था। यानी कि एक दरिया है, उसका पानी जो है वो इसके अंदर आता था, वो जमा हो जाता था, यानी कि खड़ा पानी जो है वहां पर रहता था, और फिर वो ओवरफ्लो करके वो दूसरी तरफ से निकल जाता था। अब ये एक बहुत अहम चीज है, क्योंकि अगर आप जिंदगी के ओरिजिन्स के बारे में बात करते हैं या उन कंडीशंस की बात करते हैं जिसमें जिंदगी सर्वाइव करती है, जैसे कि जमीन पर, ये वही कंडीशंस हैं। तो ये परसिवियरेंस रोवर का जो मकसद था वो ये था कि वो इस जजीरो क्रेटर को एक्सप्लोर करे, और ये जो दरिया जहां से इस क्रेटर के करीब आता है, यानी कि दरिया का जो डेल्टा है, वहां पर बहुत सारे मिनरल्स जमा होते हैं, वो वहां के वो सैंपल्स को एनालाइज कर सके, और कुछ सैंपल्स को वो कलेक्ट करे जो मुस्तकबिल में एक और मिशन, मार्स सैंपल रिटर्न मिशन, वो कुछ सैंपल्स जो हैं वो जमीन पर आकर उनको बाद में और ज्यादा एनालाइज किया जा सके। तो यानी कि ये बहुत ही दिलचस्प जगह थी, और अब कुछ सालों के बाद, यानी कि 2021 से वहां पर मौजूद है, आखिरकार परसिवियरेंस को एक पत्थर या एक रॉक एक इलाके में मिली। ये एक ऐसा इलाका है जिसका नाम है अनरित्वा वैलिस। वहां पर साइंसदानों को पता है कि वहां पर पानी जो है वो बहा था, आज तो वो बिल्कुल ड्राई है, लेकिन एक वक्त वहां पर पानी मौजूद था। तो वहां पे सेडिमेंट्री, यानी कि वो जो सेडिमेंट्स होते हैं वो दरियाओं के तहत वो आते हैं, यानी कि जो रॉक्स हैं या जो सैंड है वो उस तरह से डिपॉजिट होती है। तो हमें पता है कि ये इलाका जो है वो पानी के अंदर मौजूद था, और हमें ये भी पता है सैटेलाइट्स के जरिए कि वहां पर जो मिनरल्स हैं वो गालिबन एक शायद ऐसी चीजें वो प्रोवाइड करें जो हमें जिंदगी के बारे में, अगर वहां पर कभी मौजूद थी, उसके बारे में हमें पता चल सके। तो पिछले साल, ये एक साल पहले की बात है, इसके सिलसिले में एक रेलेवेंट मेरा एक वीडियो भी है जिसमें अर्ली रिजल्ट्स थे मार्स के सिलसिले के, उसमें ख्याल ये था कि एक पत्थर ऐसा मिला है जिसका नाम एस्ट्रोनॉमर्स ने दिया छियावा फॉल्स। वो जो पत्थर है तकरीबन 3 फुट या 2 फुट के बराबर, आप ये सोच सकते हैं इतना बड़ा पत्थर, उसके अंदर कुछ ऐसे निशानियां मिली जो लगता ये है कि शायद वो निशानियां पुरानी जिंदगी के बारे में हमें बता सके, या शायद वो पुरानी जिंदगी की निशानियां हैं। अब मैं एक बात क्लियर करता चलूं, साइंसदानों को मार्स पर इस पत्थर के ऊपर, इस रॉक के ऊपर जिंदगी नहीं मिली है। वो जिस चीज की बात कर रहे हैं वो ये है कि वहां पर एक चीज कहलाती है कि साइंस ऑफ बायोसिग्नेचर्स, कि शायद यहां पर पहले जिंदगी मौजूद थी। तो उनको क्या पता चला? तो ये जो पत्थर है इसके ऊपर उनको पहली बात तो ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है, जो कार्बन रिच वो कंपाउंड्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि जिंदगी जो है वो उसके ऊपर बेस्ड है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो बगैर जिंदगी के भी बनते हैं। तो खाली अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले, इसका ये मतलब नहीं कि वहां पर जिंदगी है। लेकिन इस पत्थर के ऊपर ये कुछ फीचर्स मिले जिसको एस्ट्रोनॉमर्स ने निकनेम दिया पॉपी सीड्स। ये बड़े छोटे छोटे किस्म के, ये डार्क किस्म के स्पॉट्स हैं, और इसके अंदर जो है ये एक मिनरल है जिसका नाम है विवियनाइट। ये एक तरह से ये आयरन फॉस्फेट ये मिनरल है। अब जमीन के ऊपर इस किस्म का जो मिनरल पाया जाता है, वहां पर माइक्रोब्स जो हैं, यानी कि जिंदगी के, वो शुरू में होते थे। अच्छा, अब ना सिर्फ ये पॉपी सीड्स इस पत्थर के ऊपर हैं, बल्कि एक और स्ट्रक्चर जिसको अगेन एस्ट्रोनॉमर्स ने नाम दिया लेपर्ड स्पॉट्स। ये एक तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं कि जिसमें बीच में तो विवियनाइट है, लेकिन उसके जो सर्कल है वो एक डार्क कलर का सर्कल है, और इस सर्कल के बीच में,
ये जो व्हाइट का हिस्सा है वहां पर एक और मिनरल है, वो भी आयरन बेस्ड, उसका नाम है ग्रीगाइट और ये आयरन सल्फाइड है। अच्छा ठीक है, अब आपको इन एलिमेंट्स, ये जो मिनरल्स हैं, इनको तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन हम इनकी क्यों अहमियत की बात कर रहे हैं, इसलिए ये है कि जमीन के ऊपर जब इस किस्म के स्ट्रक्चर्स, ये जो लेपर्ड स्पॉट्स हैं वो पाए जाते हैं, या ये जो विवियनाइट और ग्रीगाइट मटेरियल मिनरल्स पाए जाते हैं, वो ये बताते हैं वहां पर वो ज्यादातर तो हैं वो पानी से लिंक्ड होते हैं और वहां पर माइक्रोब्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब मरीख के ऊपर इस वक्त माइक्रोब्स मौजूद नहीं, इस पत्थर के ऊपर हमें नहीं पता कि वहां पर माइक्रोब्स जो हैं वो हैं या नहीं, लेकिन गालिबन वो मौजूद नहीं, लेकिन ये लेफ्ट ओवर चीज है, यानी कि माइक्रोब्स ने एक लिहाज से वहां पर कुछ अरब साल पहले इन मिनरल्स को एक्सक्रीट किया था, या अपने जब उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस्तेमाल किया तो ये केमिकल्स, ये मिनरल्स जो हैं वो बच गए। जमीन के ऊपर अगर ये चीज होती तो हम कहते कि ये तो वाकई माइक्रोब्स की बात है, जिंदगी की बात है, लेकिन क्योंकि ये मरीख के ऊपर है हमें ये नहीं पता कि क्या कोई केमिकल प्रोसेस जिंदगी के बगैर इन मिनरल्स को प्रोड्यूस कर सकता है या नहीं। इस वजह से पिछले साल जब ये डिस्कवरी हुई थी साइंसदान बहुत ज्यादा मोहतात थे, लेकिन अभी पिछले महीने कुछ हफ्तों पहले एक नया पेपर आया है, ये जो जर्नल है नेचर, उसके अंदर उन्होंने ये तलाश करने की कोशिश की कि किस किस्म का प्रोसेस जिंदगी के बगैर ये मिनरल्स को वो प्रोड्यूस करे, और उन्होंने देखा कि दो तरकीबें हो सकती हैं। एक तो ये कि अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो, यानी कि अगर 250 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर हो तो इस किस्म की चीज प्रोड्यूस हो सकती है पत्थरों में बगैर जिंदगी के, या अगर बहुत ही ज्यादा एसिडिक या एसिड जिस तरह की चीज होती है, अगर वैसी एनवायरमेंट है उसके अंदर भी आप इस किस्म के स्ट्रक्चर्स, इस किस्म के मिनरल्स को आप प्रोड्यूस कर सकते हैं बगैर जिंदगी के। लेकिन जब उन्होंने इस पत्थर के आसपास का जो और जगह हैं उन्होंने उनको एनालाइज किया तो ये लगा कि वहां पर ना तो एसिडिक एनवायरनमेंट है और ना वो जो बाकी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं इसके आसपास वो कभी ज्यादा टेम्परेचर में रही, यानी कि ये जो बगैर लाइफ के प्रोसेसेस थे इन मिनरल्स को प्रोड्यूस करने के वो उन्होंने एक लिहाज से रूल आउट कर दिए हैं। तो अब क्या बचा? अब ये सबसे, एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि सबसे बेहतरीन ये एक किस्म का रिजल्ट है कि शायद एक वक्त पर आज से कुछ अरब साल पहले मरीख पर जिंदगी शायद मौजूद थी। अभी भी ये 100% नहीं है क्योंकि हमें ये डायरेक्ट पॉजिटिव एविडेंस नहीं है, लेकिन साइंसदानों का जो एटीट्यूड है उसके, वो एक अच्छी साइंस करने का तरीका यही है कि जो बाकी तमाम चीजें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके रूल आउट करते जा रहे हैं कि क्या बगैर जिंदगी के इस किस्म के स्ट्रक्चर्स पैदा हो सकते हैं या नहीं। लगता है कि नहीं, और इसमें कार्ल सेगन को ना भूलें, उनका जो एक कॉल था कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रॉर्डिनरी एविडेंस। तो ये जो क्लेम है कि मरीख पर आज या कभी भी कोई जिंदगी मौजूद थी, ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्लेम है। इसके लिए हमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी एविडेंस चाहिए, और अभी ये हम रूल आउट तो करते जा रहे हैं लेकिन इसके लिए अभी भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी एविडेंस ये नहीं है, लेकिन हम करीब पहुंचते जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि इसके आगे हम कहां जाएं? वेल, हो सकता है कि कुछ और रॉक्स के ऐसे सैंपल्स परसिवियरेंस को मिलें जिसमें ज्यादा डायरेक्ट एविडेंस मिल जाए पुरानी जिंदगी का या आज की जिंदगी का। लेकिन इसका जो एक मिशन था वो ये था कि यार वो सैंपल तलाश करे ताकि बाद में एक और मिशन आए 2030 के आसपास, वो इन सैंपल्स को कलेक्ट करे। बल्कि ये इसी रॉक का एक सैंपल जो है वो परसिवियरेंस ने लेकर छोड़ दिया है कि दूसरा मिशन आएगा, इन सैंपल्स को उठाएगा
और वो फिर जमीन के ऊपर लेकर आएगा, और जमीन के ऊपर क्योंकि हमारे पास और इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स, बड़े किस्म के माइक्रोस्कोप वगैरह मौजूद हैं कि हम यहाँ की लैब्स में हम उनको अच्छी तरह से एनालाइज कर पाएंगे। लेकिन लगता यह है कि ये जो मार्स सैंपल रिटर्न मिशन है वो अब कैंसिल हो गया है इस वक्त नासा के सिलसिले में, तो उससे थोड़ा सा दुख पहुंचता है। लेकिन हो सकता है कि वो सैंपल आए, और फिर चीन का इरादा है, अमेरिका का तो पता नहीं, लेकिन चीन का इरादा है 2031 में सैंपल रिटर्न का। अगर कोऑपरेशन हो जाए मुल्कों के दरमियान तो शायद ये जो चीनी मिशन है, हो सकता है कि वो यहां पे ये जो परसिवियरेंस का सैंपल है वो उसको लेके आए। लेकिन ये बहुत ही बड़ी बात होगी अगर हमें पता चल जाए कि आज तो छोड़ें, कभी भी वहां पर जिंदगी शुरू हुई थी, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि जिंदगी गालिबन खाली एक जगह नहीं बल्कि दो जगह शुरू हुई। और अगर एक जगह भी शुरू हुई तो हमें यह पता चलेगा कि जमीन और मार्स के दरमियान में जिंदगी का ट्रांसफर हो चुका। अब ये तो मैंने जरा अच्छी साइंस की बात की, लेकिन जाने से पहले मैं एक बुरी साइंस की भी मिसाल दे दूं। ये एक एस्ट्रोनॉमर है यार, आवी लोब के नाम से, वो होते तो हार्वर्ड में, तो हर एक कोई जो है वो कहता कि यार हार्वर्ड के एस्ट्रोनॉमर हैं, लेकिन उनको जो है कोई भी चीज़ जो है वो एलियन सी लगकर आती है। तो अभी एक तीसरा कॉमेट जो है, एक दुमदार सितारा, ये हमें पता चला है कि वो हमारे निज़ाम शमसी नहीं बल्कि हमारे निज़ाम शमसी से बाहर से आया है। अब एस्ट्रोनॉमर्स की एक कैपेबिलिटी आती जा रही है कि वो इस किस्म के कॉमेट्स को वो दरियाफ्त कर सकते हैं। तो अब वो इन बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स हैं क्योंकि वो हमारे निज़ाम शमसी में नहीं बने, किसी और निज़ाम शमसी में, और वो वहाँ से पास कर रहे होते हैं, जिस तरह ये I3 एटलस है। अब हमें पता है कि उसमें अब दुम भी आती, जो 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 वो सूरज से करीब आता जा रहा है उसमें दुम भी बनती जा रही है, तो बहुत दिलचस्प चीज़ है। लेकिन ये जो आवी लोब हैं उनका डिफॉल्ट ये होता है, वो कहते हैं कि गालिबन ये जो है वो एलियन स्पेसक्राफ्ट है। अब आप उसको प्रूव करें कि वो एलियन स्पेसक्राफ्ट नहीं, ये एक बिल्कुल गलत तरीका है साइंस करने का। बल्कि उनकी जो है स्पेक्युलेशन वो तो इसके ऊपर भी चलती है कि गालिबन ये जो स्पेसक्राफ्ट है, ना सिर्फ वो कॉमेट जो है वो एलियन स्पेसक्राफ्ट है, बल्कि वो एलियन स्पेसक्राफ्ट गालिबन इंसानियत को या इंसानों को वो तबाह करने आ रहा है। इसका कोई एविडेंस नहीं, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं, लेकिन, और यह आवी लोब ने खुद कहा है, इसकी वजह से उनको काफ़ी सारी फंडिंग मिलती है, ख़ास तौर से प्राइवेट सोर्सेज से। तो मेरे लिहाज से हम जो हैं वो साइंस कम्युनिकेट भी करते हैं पब्लिक के लिए, मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही डिससर्विस है इस किस्म की तरीकों का, और साइंस जो है वो इस तरीके से काम नहीं करती कि पहले आपने आउटलैंडिश क्लेम किया और कहेंगे अब आप साबित करें कि ये गलत है। तो ये जो मार्स के रिजल्ट्स हैं ये आपको एक अच्छी साइंस की मिसाल देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छा कॉन्ट्रास्ट है आवी लोब जो हर चीज़ को वो एलियन स्पेसक्राफ्ट समझते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं खाली ये कहूँगा कि ज़रा आप मरीख के बारे में सोचें। वो एक बिल्कुल एक अलग एक सैयारा है, फैसिनेटिंग एक जगह है। आप ज़रा इमेजिन करें अपने आप को अगर आप उस सैयारे के ऊपर हों, उसकी पूरी जियोलॉजी जो है वो बिल्कुल फ़र्क ज़मीन से, उसकी तारीख बिल्कुल फ़र्क ज़मीन से। अगर हमें वहाँ पर ज़िंदगी मिल जाती है तो मेरा ख़्याल है कि सबसे ज़बरदस्त किस्म का सवाल ये होगा कि वो ज़िंदगी किस किस्म की है, क्या वो ज़मीन जैसी है या उसका जो मॉलिक्यूल है वो DNA नहीं मगर किसी और चीज़ से चलती है।